हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक गड्ढा करना है गाइस चेस्ट रखने के लिए। तो आपको बस दो ब्लॉक्स खोदने हैं और यहाँ पे आपको टेढ़े में एक चेस्ट रख लेना है लार्ज वाला। उसके बाद चेस्ट से कनेक्ट करके तीन हॉपर लगाने हैं। पहला इस तरीके से लगेगा और दूसरा तीसरे हवे में लगेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड का एरिया बना लेना है। तो साइड के एरिया के लिए आप कोई सा भी स्टोन यूज़ कर सकते हो। तो आपको दोनों राइट और लेफ्ट साइड में तीन तीन ब्लॉक्स रख लेने हैं कोई से भी स्टोन के। और उसके बाद वाले स्टोन में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आगे अपन को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन को क्या करना है, अब इसके ऊपर ना स्टेयर्स रख लेने हैं कुछ इस तरीके से। और स्टेयर्स के बाद आपको हर साइड ट्रैप डोर लगा लेने हैं गाइस। तो आपको कुछ इस तरीके से ट्रैप डोर लगा लेने हैं, जहाँ पे नहीं लगेंगे वहाँ पे आप एक स्टोन रख के ऊपर ट्रैप डोर लगा के उसको खड़ा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये अपन ने लगाया स्टोन और इसके ऊपर आप ट्रैप डोर ऐसे लगा सकते हो। उसके बाद ये टेम्पररी ब्लॉक्स आप हटा सकते हो। तो ये जो हमने लगाए थे ना, ये भी हमारे टेम्पररी ब्लॉक्स ही थे। तो आपको बस एक हॉपर वाली साइड छोड़ के हर जगह ये ट्रैप डोर लगा लेने हैं गाइस। और इस साइड भी कुछ लगा लेना है। ये नीचे क्यों जा रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे ऐसे स्टोन रख के लगा सकते हो तो फिर ये ऊपर ही जाएगा, फिर इसे हटा दो। और यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, यहाँ पे लग जाएगा गाइस। और ये जो तीन ब्लॉक्स है ना, इसके ऊपर भी लगा लेने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको वाटर बकेट डाल लेना है तीनों साइड, ठीक है। तीनों स्टेयर्स पे आपको वाटर बकेट डाल लेना है क्योंकि वाटर और लावा से ही कॉबल स्टोन या स्टोन जनरेट होता है। उसी तरीके से आपको इस साइड भी तीन ट्रैप डोर लगा लेने हैं, फिर उनको खड़ा करके ये टेम्पररी ब्लॉक्स हटा लेने हैं जो हमने स्टार्टिंग में लगाए थे। तो ये अपना कवर हो गया गाइस हर साइड से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन टेम्पररी ब्लॉक्स और लगाने हैं और उसके ऊपर ट्रैप डोर लगाने हैं, ठीक है, ऐसे। और फिर ये ब्लॉक्स भी हटा लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो स्टेयर्स है ना, इसके ऊपर भी ट्रैप डोर लगा लेने हैं। तो ट्रैप डोर अब अपने कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करना है गाइस, बहुत ही ईजी काम है। आपको लेना है लावा और बीच में डाल देना है। तो आपको रेगुलरली तीन कोबलस्टोन जनरेट होते रहेंगे गाइस कुछ इस तरीके से। जैसे आप इसको तोड़ोगे ये सारे हॉपर से जाके चेस्ट में चले जाएंगे और फिर नए कोबलस्टोन एक सेकंड के अंदर वापस रीजेनरेट हो जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले तो हमें इसे हटाना पड़ेगा यार, ये यहाँ पे आ गई तो मेरी चेस्ट खुलेगी नहीं। तो ये देखो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो क्रिएटिव है इसलिए चेस्ट में कुछ नहीं आएगा, हमें सर्वाइवल में जाके इसे तोड़ना पड़ेगा। तो अब मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पे हमारे पास है पिकैक्स और ये मैं इसको तोड़ रहा हूँ और सारे कोबलस्टोन जाके आपके कलेक्ट हो जाएंगे चेस्ट में। कुछ आपके हाथ में खुद ही आ जाएंगे और कुछ ऊपर जाके रह सकते हैं तो आप वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपके चेस्ट में ही आएंगे गाइस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये देखो कितनी तेज़ी से आप तोड़ सकते हो यार, बहुत सारे आप जनरेट कर सकते हो, जितने आप चाहो, बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, चेस्ट में भी आ चुके हैं हमारे कोबलस्टोन। तो बस इतना ही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस ऐसे ही माइनक्राफ्ट वीडियोस के लिए। और अगर आपको मेरे माइनक्राफ्ट का आयरन फार्म देखना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देख लो दबा के।